हेलो हाय। गाइस, गुड इवनिंग। मैं सुरेखा ब्लॉग किचन से बात कर रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। ये हमने 250 ग्राम साबूदाना लिया है। और हम पहले साबूदाने को पानी में अच्छी तरह धोएंगे और फिर हम 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। अभी हम धोने जा रहे हैं साबूदाना। और ये हमने साबूदाने को धो लिया है। अब हम इसे थोड़ा पानी डालकर साबूदाने के थोड़े ऊपर तक पानी को लेना है और थोड़ी देर हमने इसको पानी में भिगो के रखना है। और ये हमने ढक लिया है। अब हम करेंगे दूध को। ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम दूध को गर्म करेंगे पतीले में। और ये हमने दूध लिया है। अब दूध को उबलने के लिए रख दिया है और दूध को अच्छी तरह उबालना है। अभी हमारा दूध जो है उबल गया है। हमने दूध लिया है 1 किलो और इसको थोड़ी देर और उबलने देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें साबूदाना डालेंगे और साबूदाना को हमने भिगोने के लिए रखा हुआ है। ये देखो साबूदाना जो है फूल गया है और पानी इसमें सारा सोख कर लिया है। हल्का फुल्का पानी रह गया है। अभी थोड़ी देर और रहने देंगे जो पानी को बिल्कुल सोख कर ले और उतनी देर हम दूध को अच्छी तरह उबलने देंगे। ये हमारे ये देखो एक एक दाना साबुदाने का हो गया और ये हमारा दूध उबल गया है। अब इसमें उबलते हुए साबुदाने दूध को साबुदाने को डाल देंगे दूध में। ये देखो हमारे साबुदाने की खीर जो है बन रही है। और ये देखो साबूदाना ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना। बस 5 मिनट और रखेंगे फिर हम गैस को बंद करेंगे। अब जो है हमारी साबूदाने की खीर उबल उबल के हो गई है। अब हम डाल रहे हैं इसमें चीनी। ये हमने चीनी डाली है। अब इसे 5 मिनट और होने देंगे। ये हमारा साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे डोंगे में। ये हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। अब ये थोड़ी देर में ठंडे होने के बाद थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और ये साबूदाने की खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी शेयर करना, कमेंट करके बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना पहले और बेल आइकॉन दबाना। जो जो हम वीडियो डालेंगे वो आप लोगों को आगे आगे मिलती रहेगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना देखने से पहले और कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को बताना कैसी लगी साबूदाने की खीर। बाय, टेक केयर।